वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जीने की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम साना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। भव्य जीवों, इकट्ठा करना बहुत आसान है, सबको जोड़ना बहुत आसान है, अकेले होना बहुत कठिन है। अकेले हो जाना, सब छूट जाए, वो क्षण बहुत दुर्लभ है। अनंत काल बीत गया, अनंतों बार रईस बने, अनंतों बार बहुत अमीर बने, धन दौलत बहुत इकट्ठा किया, पुण्य कर्म का उदय था, इकट्ठा होता गया। सामान्य भाषा में आप लोग यही बोलते हैं कि पुण्य कर्म का उदय है, बड़ी सुविधाएं हैं, सब कुछ अच्छा है, पांच उंगली घी में है। मुंह में तो घी नहीं है ना, उंगली घी में है, मुंह में नहीं है। रसा स्वादन अभी आत्मा का आनंद का नहीं हो रहा है। जो काम अनंतों बार हम कर गए वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जिस काम को आज तक हम कर नहीं पाए, अकेले नहीं हो पाए। एक अखंड आत्मा, ध्रुव आत्मा, ज्ञायक आत्मा, अपने गुणों के ही मात्र संग में रहने वाला मैं एकाकी आत्म तत्व, चेतन तत्व, मेरा उपयोगी नाथ, मेरा ज्ञान दर्शन अनंत गुणों के साथ मेरा रहना कभी नहीं हुआ। कोई ना कोई तो पर रहा ही रहा, कहते हैं कि मुझे तो प्राइवेसी चाहिए, काहे की प्राइवेसी, अनंत कर्म तो साथ में लगे हुए हैं, सारे विकारी भाव दुर्भाव भाव कर्म तो साथ में लगे हैं, कभी अकेले रहे ही नहीं। और आप कहते कोई नहीं है यहाँ पर, हाँ अकेले हैं। मान लो अपने आप को, कर्म तो पूरे समय निगरानी रखे हैं तुम्हारे ऊपर, जो करोगे जैसा करोगे वैसे ही कर्मों का बंधन होता रहेगा। सावधान चेतन सावधान, जाग जा, अकेला हो जा, श्रद्धा से तो हो जा। सिद्ध भगवान होगा तब पूरी तरह से अकेला होगा, एकत्व, एक भी परमाणु आत्मा के साथ में नहीं रहेगा जब सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जब तक प्रसिद्ध होने का सोचेगा ना, तो कर्म अलग होने वाले नहीं है। हाँ, जो प्रसिद्धि के तमन्नाओं में पड़ा है वो कभी भी अकेला नहीं हो सकता, वो सिर्फ जोड़ना चाहता है, और जुड़े और रेला जुड़ता जाए मेरे साथ में, और मेले ही मेले में रहेगा। जितना रेला जोड़ेगा उतना मेला बढ़ेगा, और उतना वह मेला होता चला जाएगा, अकेलापन गुम हो जाएगा, और अकेलापन नहीं मिला तो अंतर का आनंद तो छू ही नहीं पाएगा।
वो कौन सा शुभ अवसर आएगा, शुभ मुहूर्त कब आएगा जब मैं अकेलेपन का एहसास करूं। अरे श्रद्धा तो धारण कर, समय सार पढ़ करके ये तो तय कर कि मैं अखंड आत्म तत्व हूँ, ये कर्म मुझसे मिले हुए हैं, मैंने ही उन्हें आमंत्रण निमंत्रण दिया है, वो मेरी आत्मा में संबंध कर रहे हैं, फिर भी वो मुझसे भिन्न है। जैसे दूध में पानी मिला, फिर भी दूध दूध में है, पानी पानी में है। अगर इसका प्रयोग किया जाए, अग्नि के ऊपर रखा जाए, विधिवत उसको तपाया जाए, तो पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा और वह दूध दूध रह जाएगा। हाँ, दूध रह जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो ना। मावा, माँ यानी नहीं है। आप सब बहुत अच्छी भाषा के जानकार हैं, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, ऐसी ऐसी भाषा आप लोग बोलते हैं, बड़े ज्ञानी हैं आप, पर अपने आप को समझते ही नहीं है। मावा क्या शेष रह गया, माँ। माँ यानी नहीं है, वार यानी पानी, वार वारिकम पयोम भोम्भु पाथुर न सलिलम जलम, ये सब जल के पर्यायवाची नाम है, वा वारी ये सब नाम है जल के। तो आपने क्या कहा, मावा बन गया, मतलब माँ यानी नहीं रहा है, वार यानी जल जिसमें, वह है मावा। माँ वा, माँ अर्थात नहीं है, वार यानी जल जिसमें, अब क्या रह गया, वो सिर्फ सिर्फ क्या है, दूध ही दूध है, ये है शुद्ध दूध जो माँ वा है। कुछ लोग खोवा भी कहते हैं, है ना, खोवा है खोवा, उधर बुंदेलखंड में खोवा बोलते हैं, खो गया है वा यानी जल जिसमें से, उसका नाम है खोवा। बात हुई है, अब उसमें जल नहीं रहा, जल का अंश भी नहीं रहा, सूखा हो गया बिल्कुल, मावा खोवा। ऐसा ही मैं भी अनादि से खोवा। मावा की बात तो समझ में आ गई, सबके चेहरे फूल गए, बड़े खुश हो रहे हैं, ये हम बड़े ज्ञानी हैं, बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं। सो व्हाट, क्या होना है, ये सब कुछ तुम कर भी लोगे, जान भी लोगे, प्रयोजन भूत तत्व को समझो, ये सब अप्रयोजन भूत है। मावा को समझ लिया, दूध कैसे ओटना वो भी समझ लिया, तो क्या होने वाला है, ये कोई प्रयोजन भूत तत्व नहीं है। मैं चेतन आत्म तत्व को समझूं कि उसी तरह से मैं भी अनादि से शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध निश्चय से आज भी अभी भी पवित्र हूँ। लेकिन अनुभव क्या कर रहा हूँ, सुख दुख का, क्यों, क्योंकि मोह से भरा हुआ हूँ, मोह जनित दशा है मेरी, मैंने अपनी बना ली है ऐसी, मैंने अपने आप को मोही मान लिया है। अरे माता जी देखो, बात तो बहुत अच्छी लगती है समय सार की, पर हम तो गृहस्थी है ना, क्या कहते हैं, हम तो गृहस्थी है ना, क्या तुम्हारी आत्मा पर कौन सा लेबल लगा है, कहाँ लिखा है कि तुम गृहस्थी हो, कहाँ लिखा है, कुछ नहीं, तुमने माना है कि मैं गृहस्थी हूँ। क्या है ना माता जी, हम तो संसारी जीव हैं, बच्चे हैं हमारे, उनका भी पालन पोषण करना ही रहता है, घर गृहस्थी है, रिश्ते नाते निभाने पड़ते हैं, बहन बेटियां हैं, घर आती जाती हैं, सब निभाना पड़ता है, तो चातुर्मास में 2 महीने तो हमारे यूँ ही निकल जाते हैं, आ ही नहीं पाते हैं, निभाओ, निभा लो, कितना निभाओगे। जो अपने हित में अपना उपयोग ना लगाए, आत्महित में ना लगाए, और जो समझदार है, जागृत है, वो खुद तो जागता है, बहन बेटियों को भी लगा देता है। सावन में आ रही है, सब चलोगे एक बार तो वहां धर्म सभा में जाना ही है, नहीं तो अहमदाबाद आने का क्या मजा है, क्या मतलब है, आई हो तुम इस बार तो धर्म का लाभ भी लेकर के जाओ, कहां है ना। आपने आत्मबोध शतक सुना होगा, हित में जो कम जोर लगाते वे कमजोर कहते हैं, आत्मबोध शतक का दूसरा भाग, उसमें बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है, समझ में आ रही है आपको, जो हित में जो कम जोर लगाते, जोर नहीं लगाते, ज्यादा ज्यादा जोर नहीं लगाते, वाह ठीक है, जाना हो तो जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ बेटी नहीं जाना चाहती, कोई बात नहीं, तो यहीं पर ही देख ले,
हाँ टीवी ये देख, मोबाइल भी ले ले मेरा, देख लेना तू, है ना, 2 घंटे बर्बाद करती है। हित में जो कम जोर लगाते वे कमजोर कहते हैं, नहीं बरसने वाले बादल ही तो शोर मचाते हैं। निजात्म हित को नहीं समझता, यह तेरी कमजोरी है। हाथ पे हाथ धरे बैठे और कहते कि मजबूरी है। बात समझ में आ रही है आपको? हाथ पे हाथ धरे बैठ हैं और कहते क्या करें, मजबूरियां हैं, बन जाओ मजदूर, बनते रहो मजदूर, एक दूसरे की सेवा में लगे रहो, धर्म ध्यान भी तो करो, ये भी तो तुम्हारा कर्तव्य है। आत्महित को कब साधोगे? अगर अभी नहीं तो कब? कौन सा शुभ मुहूर्त आएगा? जो आत्महित में कम जोर लगाते हैं, ज़्यादा जोर लगाते ही नहीं है, स्कूल जाने के लिए बच्चों को जोर लगाते हैं, मंदिर के लिए, हाँ कोई बात नहीं बेटा, एक बार बोल दिया चले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन स्कूल ना जाए तो, पढ़ाई ना करे तो, दिन में कितनी बार बोलते पढ़ पढ़, पढ़ता क्यों नहीं है, कितनी बार बोलते हैं, क्योंकि आपकी रुचि भी बाहरी ज्ञान में है, अज्ञान में आपकी रुचि लगी हुई है, भीतरी ज्ञान का, भीतरी परमात्मा को प्रकट करने में आपकी रुचि लगी ही नहीं है, जरूरत महसूस ही नहीं होती है। क्या करें माता जी, अभी इसका मूड नहीं है ना, बच्चों का भी मूड होता है। ठीक है, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं लगेगा आप लोगों को? कोई बात नहीं, लगे तो बुरा भी बुरा सा होता है, मीठा होता है। एक बात कहना चाहती हूँ जो आपको याद रहेगी, कुम्भकार, कुम्हार होता है ना कुम्हार, जब गधे से उसको काम लेना हो तो वो कुम्हार गधे के मूड की परवाह करता है क्या? बोलो ना, कि अभी गधे का मूड नहीं है, रहने दो बेचारे को, कोई परवाह करता है क्या गधे के मूड की? कोई परवाह नहीं करता। वैसे ही शरीर से काम लेने वाला ज्ञानी मन के मूड की कोई चिंता नहीं करता, मन को अपने अनुसार चलाता है, तुझे चलना होगा। मन का मालिक होता है, मन का गुलाम नहीं होता, मन को स्वयं गुलाम बनाता है, अपने अनुसार चलाता है। तन अलग है, मन अलग है, और चेतन अलग है। चेतन पावरफुल है, शक्तिवान है, अनंत शक्तियों का धनी है, ज्ञान का मालिक है। इसलिए जब भी तुम्हारा बेईमान मन आनाकानी करे, मनमानी करे, खाने में अगुआ, संसार के कामों में बिल्कुल अग्रगामी होता है और धर्म के काम में पीछे रहता है। जैन साहब से कहा गया चलो ना मंदिर में अभिषेक करने के लिए चलते हैं, आज विशेष दिन है, चलो ना। अरे नहीं मैं आता लेकिन मेरे पास में कपड़े नहीं हैं, रहने दो रहने दो। ठीक है, इतने में ही दूसरा मित्र आया, उसने कहा कि चलना नहीं है, पार्टी है आज तो, चलो चलो जल्दी से। हाँ अभी मैं आता हूँ, 2 मिनट में कपड़े पहन करके आता हूँ अभी। हाँ दूसरे कपड़े पहन करके आता हूँ। जैन साहब थे वो, पता है आपको, जैन साहब थे। जिनेन्द्र भगवान के प्रति कोई भक्ति नहीं, कोई उत्सुकता नहीं, नाम के जैन साहब थे। क्या मतलब है, इससे तो अच्छे अच्छे जैनी नरकों में बैठे हुए हैं। हाँ नारकी भी जैनी है, पशु भी जैनी है। जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अमल करे ऐसे नरकों में भी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव बैठे हुए हैं, कई सम्यक दृष्टि असंख्यात जीव बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मिथ्या दृष्टि जीव इधर उधर भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं, किसको जैनी कहें। जिनवाणी कहती है वो नारकी भी जैनी है। जैनी कोई किसी लेवल नहीं है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जैनी। ये जिनत्व को जो माने, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। कितने पंचेंद्री जीव त्रियंच ऐसे हैं जो पंचम गुणस्थान वर्ती हैं, एक देश वर्ती हैं, पानी डोल करके पीते हैं, सूखे पत्ते खाते हैं, ऐसे असंख्यात त्रियंच हैं। वह मनुष्य की हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि क्या कर रहा आज का इंसान,
पानी शुद्ध पी सकता है, छान करके पी सकता है, 48 मिनट का पानी छान करके पी सकता है, लेकिन नहीं, उसकी तो टेप पड़ गई है कई महीनों का अनछना, खोली बोतल और पीता रहता है, शर्म नहीं आती उसे। वो पंचेंद्रिय त्रियंच है, अपने हाथों से कुछ नहीं करता, लेकिन वह अपने ही पैर से, हाथ से पानी को इधर उधर बिलोर देता है और वह उसको प्रासुक करके पी जाता है। हरे पत्ते नहीं खाता, सूखे पत्ते खाता है। पंचम गुण स्थान वर्ती हो गया, अपनी शक्ति के अनुसार जो उसे भगवान की वार्ता समझ में आई है उसके अनुसार वो पालन कर रहा है। पूछना चाहती हूँ, कौन है जैनी? आप अपने मन के मूड की चिंता करते रहोगे, ये मन कभी भी नहीं कहेगा कि तुम ऐसा कर लो, बन जाओ मुनि, कर लो इस बाहर के घर का त्याग, भीतर के ग्रह की खोज बे, बाहर के धन वैभव का कर दो त्याग, भीतर का अनंत धन वैभव की खोज करने के लिए। बाहर के परिवार का कर दो त्याग, भीतर के अनंत सिद्धों का परिवार पाने के लिए छोड़ दो चैतन्य गांव, अपने सिद्धालय सा गांव पाने के लिए। है किसी का मन तैयार? नहीं, वो तो सुनने में माता जी बहुत अच्छा लगता है हमको, हाँ, पर करने की बात आती है तो एक दिन रात्रि भोजन के लिए भी सोचना पड़ता है। 80 साल के दादाजी आए थे, उनसे कहा त्याग कर दो माता जी, एक वीक का त्याग कर सकता हूँ। सुनकर के ऐसा लगता है, हे प्रभु, भीतर में वो शक्तियाँ कहाँ गई शिव की, जो अनंत शक्तियाँ उसको उसकी भगवत्ता प्रकट करने की क्षमता रखती है, कहाँ गई? क्यों दुर्व्यसन में खो रहा है आज का यह जीव? क्यों अपने मन को भ्रमित कर रहा है? क्यों अपने अंतर प्रकाश की ओर नहीं जाता? क्यों घटाटोप अंधकार में भटक रहा है, समझ में नहीं आता? कहता है कि वातावरण अनुकूल नहीं है माता जी, आजकल तो ऐसा ही है, जहाँ जाओ माहौल में रहते हैं तो करना ही पड़ता है, प्रतिकूलता है। चाहे कितनी ही प्रतिकूलता हो, ध्यान रखना, तीन प्रकार की प्रतिकूलता बताई है ना, एक वातावरण की प्रतिकूलता, दूसरी वस्तुओं की प्रतिकूलता, तीसरी व्यक्ति की प्रतिकूलता। इसमें वातावरण की प्रतिकूलता कुछ मायना नहीं रखती, अगर रखती होती तो नरकों में किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता, कितनी मार काट है, कितनी भयानक वेदना है। जब पहली ढाल को आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, तीन लोक को नाच चुखाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पड़े एक एक न बूंद लहाए, क्षुधा तृषा गर्मी सर्दी मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए, सुमेरु सेमरु तरु दलजुत असी पत्र, असी ज्यो देह विदारे तत्र। हो कितनी वेदना, और उन वेदनाओं में भी चिन्नार के जीवों ने ओहो भाग्य धन्य भाग्य सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। ओहो धन्य है प्रभु, क्या आत्मा की परिणति है, यह सारी सुख सुविधाएं हैं, कोई कमी नहीं है। जानने के लिए तीव्र बुद्धि मिली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। वाड़ी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिने की वाड़ी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा, ऐसी पूर्णमती माता को
शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम साना, जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम साना, जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा।